अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं ख्वाजा अली मोहद्दीन, सोशल वर्कर। ये बहन और ये हमारे बुजुर्ग, हमारी माँ, चार पांच दिन से फोन कर रहे, अलीम भाई मेरे को कुछ फाइनेंस वाला टॉर्चर करते रहने वाले में गोल गुंडे खिले के। इन्हों कुछ पैसे लिए थे, इंटरेस्ट थे, तो नहीं दे सक रहे क्योंकि हालत लॉकडाउन से बहुत खराब है। अब ये बहन तकरीबन मेरे को फोन आ कर रहे, अलीम भाई बोले रो रहे, मेरी जहर खाने की नौबत आ गई, बोल के मेरी बहन बोल रही। सुने भाई, तो ये फाइनेंस वाला इतना जुल्म कर दे रहे लोगों के ऊपर, अगर पैसे नहीं दिए तो बेचारे बहन हमारे, बोले अलीम भाई मैं खुशी कर लेती हूँ। बोले तो बहन को बोला मैं यहाँ हूँ, फलाना जगह हूँ, मेरी बहन आइए। बोले तो बहन की मुजबानी सुनिए, उनके वालदा बोलते सेवन बोला। आप बोलिए माँ, क्या है? हमारे दामाद को बहुत परेशान है, कर्जे से है, ऑटो के गुत्ते चढ़ गए, कारोबार नहीं होते। नहीं तो आज तक हम गोलकुंडे में किसी को हाथ नहीं पड़े। अकबर हवसी साहब, देखो आप मदद करो, हमारी बहुत गरीब है, मैं बेवा हूँ, यतीम हूँ, मेरा कोई भी नहीं है, मगर गोलकुंडे की पैदाश, हम इज्जत को मरने वाले हैं, क्या करेंगे, ये ऐसा हालात हो गए हमारे। नहीं तो हम नहीं करते थे, बेचारे आके हमारे को फोन करने से हम यहाँ को आए साहब, गलत नहीं बोली, बेवा यतीम की दुआ कबूल करो, जरा ये बेटी दामाद को मदद करो, बस इतना ही मेरी आपसे सिफारिश है। आपका नाम क्या है मां? अहमदी बेगम है, गोलकुंडा दाखिले में की है, गोलकुंडा में रहसो है बेटा, उसके हिसाब को हम पाए अल्लाह को राजी रखे। आप सही बोल रहे बेटे, कसम बराबर बोल रही, मैं इनको जितने खर्चे है किसी को हक नहीं है। आपके ये कौन है? ये लेट जो बेटी है, ये बेटी है, दामाद है। दामाद यहाँ है, दामाद है। अच्छा, ठीक है। वो दामाद कहीं नहीं निकलते, कहीं भी नहीं, मैं बेटी करो बोले तो आपको जहाँ भी आएंगे हम आएंगे मदद। अच्छा। बस इतनी मदद करो, बोलिए कितना को करो। परेशान हूँ, मेरे शोहर की तबीयत खराब है। क्या हुआ? खराब रहने की सूरत में जो है सो उनके थोड़े बहुत खर्चे चढ़ गए थे। खैर, दो तीन साल से हम लोगों का, मेरे शोहर का कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, उनके सिवा मेरा नहीं है। अब खर्चे इतने हो गए, चार बच्चे हैं, स्कूल की फीसा देना है, स्कूल में एग्जाम में बच्चों को नहीं बिठाते बोल रहे हो लगा, ये फीस पूरी पे करो, इस इस्लामिक स्कूल में पढ़ते मेरे बच्चे, और पूरी पे करो बोल के बोल रहे हैं, और मेरे पास तो पे करने के वास्ते कुछ भी नहीं है, और चार बच्चों को भी मैंने पढ़ा सक रही, मेरी हालत बहुत कंडीशन बहुत ख़राब है, और खर्चे तो तकरीबन मैं बहुत लोगों को देना हूँ, चार पाँच लाख रुपए खर्चा देना हूँ मैं। अब वो सरकारों के तो नामा लेना नहीं चाहिए, सर मेरे पूरे टाइम पर लगा दिए थे, और उन लोगों को मैं नहीं बन सक रही हूँ क्योंकि ऑटो चला रहे, 400-500 घर का निकलना खर्चा बड़ी मुश्किल से निकल रहा, तो मैं घर का किराया क्या दूँ, खर्चा क्या चलाना, बस मेरे को ना जाती घर है ना जाती ऑटो है, सब किराए का चाहिए हम लोगों का, चार बच्चे पलना मुश्किल है ये दौर में, और महंगाई तो इतनी हो गई कि बता नहीं सकती हूँ मैं, खाना मुश्किल है हम लोगों का, राशन का चावल आता वो खुद गुजारा नहीं हो सक रहा हम लोगों का, बस मैं रिक्वेस्ट ये कर रही हूँ कि हमारी हेल्प करो। आजकल क्या है, पैसे वालों को पैसा खिला रहे, जमीना मिल जा रहे, फ्लाटा मिल जा रहे, घर मिल जा रहे, हलवा मिल जा रहे, मैं हर जगह कोशिश करी, हर जगह जाके मगर कोई मेरी मदद नहीं करे। मैं मालूम करी अलीम भाई को, उनको फोन करी चार पांच दिन से, भाई मेरी मदद करी, क्योंकि आप हर किसी की मदद करे होंगे, लेकिन एक मुस्तहिक की, एक कमजोर की मदद करे तो बहुत मेहरबानी होती, बल्कि मैं इतनी रिक्वेस्ट करी, तो भाई बोले मेरे को नीलोफर के पास आइए, बिल्कुल मेरे से जो हो सका मैं मदद करूंगा बोले उन्हों, बस अल्लाह के लिए मेरी मदद करो, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही वो लोग मेरी मदद करो, क्योंकि ऑटो चला रहे उसमें तो गुजारा नहीं हो रहा, आप लोगों को मालूम है महंगाई बहुत बढ़ गई, ऑटो का क्या चल रहा है, क्या कारोबार कर सकते, 400-500 बहुत हो गया, 400-500 में मैं खरीदारों को क्या दूँ, घर का किराया क्या दूँ, घर का किराया दो महीने से घर का किराया चढ़ा हुआ है, गाड़ी के कुत्ते चढ़े हुए हैं, स्कूलों के फीसा देने का है, बहुत सारे खर्चे हैं, मेरे को फाइनेंसरों को डेली के 500-1000-1500 बनने का है, मैं किसको दूँ भाई, मेरे से नहीं हो सक रहा, बस मेरी ये गुजारिश है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं ये खर्चों के खातिर ऐसा हो रहा, मैं कुछ कर लूँ, लेकिन मेरे चार बच्चे हैं, मैं किसके सहारे मेरे बच्चों को छोड़ूँ, मैं मेरा कोई नहीं है, मेरी माँ है, मेरे भाई ना कोई भी नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ, बस मेरी मदद करो, जो भी है जो भी सुन रहा मेरी मदद करो, बस इतनी मेहरबानी। जो रहते गोलकुंडा किले में रहते, एक गोलकुंडा किले में रहते, उनसे लिए मैं पैसे, मेरे टाइम पे दिए उन्होंने पैसे, मैं उनकन से पैसे लिए, उन्होंने डेली मेरे को 500 रुपये बनो बोल के बोले थे, वो तबीयत खराब है तो ऑटो पे कारोबार नहीं हो सक रहा, तो उनके पैसे भी रुक गए 3 तारीख से। उसके अलावा मैं मेहंदीपट्टनम पे एक सोहेल भाई बोल के है, उनकन से भी लिए, उन्होंने भी दिए थे टाइम पे,
उनके भी पैसे रुक गए और एक एक लंगोरस पे है उनकन से भी लिए तकरीबन सबके भाई चार तरफ के खर्चे एक है आपको खर्चा आपको टोटल 5-6 लाख रुपए खर्चा है। अब आप कुछ भी बन सकते हैं उनको बस अब कुछ भी मेरे से नहीं हो सकता। फोन नंबर अगर हुकूमत से क्या चाह रहे हैं आप ये वीडियो देख रहे हैं बस मेरी ये गुजारिश है कि मेरे को कुछ नहीं तो नहीं मेरी नहीं गुजारना है मेरे को मेरे खातिर मैं बहुत परेशान हो जा रही है। अगर ये खर्चे मेरे अदा नहीं हुए मेरी अगर बेइज्जती हो गई तो मैं कुछ भी खा के मर जाती हूँ मैं बेइज्जत होना नहीं चाह रही हूँ। अच्छा बाजी आपका नाम बोलिए। नफीसा बेगम है मेरा। आपका टेलीफोन नंबर बोलिए आप। 9014953653। देखिए ये बहन आके रो रहे बहुत अफसोस की बात है। पहले तो बोलता हूँ मैं फाइनेंसरों का हैदराबाद में इतने फाइनेंसर हो चुके जमीन कब्जा करना लोगों को डराना जो मकाना बना रहे वहाँ पर ठहरना गलों में चाइना पहनना गाड़ी खुशम कर रहे फाइनेंसर। अगर ये बहन खुशखुशी करी तो किसका क्या जाता उसका कुछ भी नहीं जाता भाई लगा पैसा है छुट जाते। बहन के 4 बच्चे है अगर मर गई बच्चे तो यतीम हो जाते बच्चे। पहला नंबर वन फाइनेंसर का लाइसेंस होना दूसरा उसके घर पे गए तो कोर्ट का ऑर्डर लाओ नहीं तो कोर्ट में आप जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करके केस बुक लाओ आपका लाइसेंस है बगल लाइसेंस के नहीं कर सकते ये काम आप। अगर आप इनके घर में जाएंगे कोई भी फाइनेंसर मैं बोल रहा हूँ इन लोगों को जरा टाइम दीजिए जो भी हो सका आपका पैसा देना है देंगे नहीं बोल के नहीं। इस सफर जी ने अगर सुसाइड कर ली तो ये जितने भी फाइनेंसर हैं ना भाई उन लोगों का जिम्मेदार रहेंगे। मेरे भाई आप लोगों से गुजारिश है आपसे जो हो सका मेरे भाई बहन का नंबर बोला मैं आप घर पे दरियाफी करो मासूम 4 बच्चे कहते हैं भाई छोटे छोटे आप एक हज का सवाब मिलेगा आपको एक हज का सवाब मिलेगा। देखो आप अल्लाह ये बुजुर्ग भाई अम्मा रो रहे हैं यहाँ पर मेरे को बहुत अच्छा नहीं दिखा मेरे को बेवा है रो रहे हो। अगर कोई भी फाइनेंसर अगर ऐसा कर रहा पुलिस स्टेशन को जाके कंप्लेंट करो अगर ये बहन जहर खा जाएंगे तो ये फाइनेंसर जिम्मेदार रहेंगे। अगर ये बहन का मेरे को फोन आएगा तो फिर हम लोग देखो पूरी टीम हमारी 5 किलो के ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। अल्लाह आपको अंदर दिया अंदर नहीं दिया एक मुसलमान मुसलमान दुश्मन बन रहा सिर्फ पैसों क्या थे क्या नहीं हो रहा बोलो आप खतला हो जा रहे हाँ जमीना कब्जा कर ले रहे लोगों को लूट ले रहे यहाँ पर डाका डाल रहे चोरियाँ कर रहे क्या कर रहे बोलो आप। अरे और नहीं हो रहा बोलो आप खतला हो जा रहे हाँ जमीना कब्जा कर ले रहे लोगों को लूट ले रहे यहाँ पर डाका डाल रहे चोरियाँ कर रहे क्या कर रहे बोलो आप। अरे एक औरत रो रही 60-65 साल की बेचारी रो रही आजार कर रही है अपना ये देख सकते हैं फाइनेंसर की एक सिटी है ये कॉपी है ये दूसरी कॉपी है ये डेली 500 रुपए बनते हैं और ये स्कूलों की जो बच्चे उनकी फीस का है ये कार्ड ये बताइए सिटी की बजे बताओ बताओ ये बच्चों के स्कूल के काटा है देखिए बच्चे स्कूल में बच्चे पढ़ने से हजरात अगर कोई भी है आप स्कूल में भी तहकीकात करिए घर पे भी करिए बहन परेशान है आप लोग से फाइनेंसरों से गुजारिश करते हैं अल्लाह आपको दौलत दिया मेरे भाई सुनो मेरे भाई अल्लाह आपको अजर देगा एक अच्छा साथ देगा भाई तकलीफ में है अगर कुछ ऐसा ना हो तो बच्चे अगर खुदकुशी कर ली तो आप जिम्मेदार हो जाएंगे लोगे ना उनके शहर को हरासमेंट करना ना उनके घर पे जाना। अगर आप मेरे को मालूम वाला घर पे जाएंगे तो फिर हम लोग कानूनी कार्रवाई करके डायरेक्ट कमिश्नर हैदराबाद के बहुत बने हुए कमिश्नर आए हुए है कमिश्नर साहब के डायरेक्ट हम उनको पेश करेंगे अगर आप लोग इलीगल लोगों को धराने की कोशिश करेंगे या कुछ टॉर्चर करेंगे बहन को इस्लाम और अपने इस्लाम में क्या है मालूम माँ को जीना कराने के बराबर है जो फाइनेंस से जो पैसा देता है ना माँ को जीना कराने के बराबर है 70 गुना याद रख लो बात आप लोग गरीब के ऊपर जुलम नको करो मासूम बच्चे की कभी है बदवाने जाएंगे आप लोगों को बोल रहा हूँ मैं और बहन का कॉन्टेक्ट नंबर है भाई कोई भी मदद करना है हजरत आपको एक हज का सवाल बहन का बोलिए 9014953653 बरकता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है मैं गुलकुंडे में रहता हूँ फतेह दरवाज़ा धानकुट्टे में रहता हूँ मैं क्या अब मेरे हालात ऐसे है बहुत परेशान हूँ मैं क्यों बोले तो मेरे को क्या है बोले तो फाइनेंसरों से मैं ले हुआ हूँ मेरी 2 महीने से तबीयत ख़राब थी मैं ऑटो चलाने वाला मैं एक जना हूँ मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है मेरे सपोर्ट करने वाले कोई भी नहीं है आगे पीछे मैं अकेला हूँ समझो अब बोलने का मतलब फाइनेंसरों से मैं जिस तरह से भी लिया पैसे मैं ज़रा हालत मेरी सही नहीं रहने से मैं नहीं दे सका मैं लोगों को क्या अब 4-5 लाख का मेरा कर्जा है मेरा समझे वो हिसाब से मैं क्या कर रहा हूँ बोले तो एक वो हिसाब से मेरे वो कर रहा हूँ मैं बोलने का मतलब क्या है इसलिए मैं मीडिया पे आके ये बोलना चाह रहा हूँ कि बस थोड़े दिन का ज़रा टाइम दीजिए मेरे को जो हेल्प कर सके उनके भाइयों से मेरी गुजारिश है कि ज़रा थोड़ा हेल्प करिए मेरी क्योंकि तो मेरी हालत वैसे नहीं है अब ऑटो चलाना तो 4 बच्चे पलना है मेरी हालत ऐसी है कि मैं बोल नहीं सकता हूँ आप लोगों को मेरा घर किराए का है 8,000 रुपये किराया है घर का ऑटो का 300 रुपये देना है अब डेली मैं रोज़ाना फाइनेंस ले हुआ हूँ मैं डेली के वहाँ पर ही बनने का है मेरे को 1,000 रुपये वहीं बने तक 11-12 बज जा रहे मेरे को साहब ऐसा ऐसा परेशानी आए मेरे हालत बहुत मुसीबत में हूँ मैं थोड़ी मेरी हेल्प करिए KCR साहब KTR साहब से
ये है कि जरा देखिए मेरे लिए, इधर देख के जरा आप भी जरा थोड़ा हेल्प करिए, गवर्नमेंट से ये अपील चाहता हूँ कि भाई जरा देख के हेल्प करिए। और स्टार्ट, ये देख सकते हैं फाइनेंसर की एक सिटी है, ये कॉपी है, ये दूसरी कॉपी है, ये डेली 500 रुपये बनते, और ये स्कूलों की जो बच्चों की फीस का है ये ये बच्चों के स्कूल का काटा है, देखिए बच्चे स्कूल में बच्चे पढ़े से ये हजरात, अगर कोई भी है आप स्कूल में भी तहकीकात करिए, घर पर भी करिए, बहन परेशान है, आप लोग से फाइनेंसरों से मैं गुजारिश करता हूँ, अल्लाह आपको दौलत दिया मेरे भाई, सुने मेरे भाई, अल्लाह आपको अजर देगा, एक अच्छा साफ देगा, बहन तकलीफ में है, अगर कुछ ऐसा ना हो कि बच्चे अगर खुदकुशी कर ली तो आप जिम्मेदार हो जाएंगे लोगे, ना उनके शौहर को हरासमेंट करना ना उनके घर पर जाना, अगर आप मेरे को मालूम वाला घर पर जाएंगे तो फिर हम लोग कानूनी कार्रवाई करके डायरेक्ट कमिश्नर हैदराबाद के बहुत आने हुए कमिश्नर आए हुए कमिश्नर साहब कहने डायरेक्ट हम इनको पेश करेंगे, अगर आप लोग इलीगल लोगों को धराने की कोशिश करेंगे या कुछ टॉर्चर करेंगे बहन को, इस्लाम और अपने इस्लाम में क्या है मालूम, माँ को जीना कराने के बराबर है, जो फाइनेंस से जो पैसा देता ना माँ को जीना कराने के बराबर है 70 गुना, याद रख लो बात आप लोग, गरीब के ऊपर जुल्म नको करो, मासूम बच्चों की कभी हाई बदवा नहीं देंगे आप लोगों को बोल रहा हूँ मैं, और बहन का कॉन्टैक्ट नंबर है भाई, कोई भी मदद करना है हजरात आपको एक हज का सवाल होगा बहन का, 9014953653 9014953653।